हेलो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किन किन डिवाइस को नई सिक्योरिटी पैच और अपडेट मिले हुए हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा F23 यूजर्स को, जिनको काफ़ी दिनों के बाद फाइनली जियो का वेलकम ऑफर मिल चुका है। और अगर आप भी सैमसंग का F23 यूज़ कर रहे हैं और आपके एरिया में 5G है, तो प्लीज़ आप माई जियो ऐप में जाइए और वहाँ पे अपने ऑफ़र को क्लेम कीजिए और आपको ऑफ़र यह मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A53 के बारे में। इसको नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिला हुआ है, और अपडेट साइज की अगर हम बात करें तो वो करीबन 212 MB का है। इसमें 1 जनवरी का सिक्योरिटी पैच है और कुछ चेंजेस किए गए हैं, बग वगैरह फिक्स किए गए हैं इसमें, तो कुछ इस तरह से है। बाकी अच्छा डिवाइस है दोस्तों ये, आप इसको देख सकते हैं। इसका कैमरा जो कि बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। तो चलो आगे बात करते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में, जो कि उसको भी एक नया अपडेट मिला हुआ है फर्मवेयर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52F, जिसको एक नया फर्मवेयर अपडेट मिला हुआ है। तो अगर आप भी सैमसंग गैलेक्सी A52 यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक नया फर्मवेयर मिला हुआ है, तो आप इसको कुछ इस तरह देख सकते हैं। तो आगे हम बात करें दोस्तों बड़े अगले डिवाइस के बारे में, तो वो दोस्तों है हमारा सैमसंग का गैलेक्सी A51, और उसको भी एक नया अपडेट मिला हुआ है। तो दोस्तों अगर अपडेट किया उसको एक फर्मवेयर अपडेट मिला हुआ है, तो अगर फर्मवेयर अपडेट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं उसको, सैमसंग गैलेक्सी A51, तो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं आप उसको फर्मवेयर अपडेट मिला हुआ है, जो कि काफ़ी हमारा पुराना डिवाइस है। करीब 2018 या 19 में लॉन्च हुआ था ये, और काफ़ी अच्छा डिवाइस है दोस्तों ये A51। और इसका कैमरा बहुत अच्छा था अपने प्राइस के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं उसको दोस्तों। अगर आगे हम बात करें तो सैमसंग का गैलेक्सी A73 है, और इसको भी एक नया अपडेट मिला हुआ है। और अपडेट की अगर हम बात करें तो वो करीबन 248 MB का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसमें सिक्योरिटी पैच है 1 जनवरी का 2023 का, कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये डिवाइस तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर प्राइस होने की वजह से काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसमें कैमरा वाइज सब कुछ एकदम बेस्ट है, लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम है ओवर प्राइस की, तो कुछ इस तरह से है। और अगर दोस्तों आगे बढ़ें तो आगे दोस्तों A53 है हमारा सैमसंग का, उसको भी एक नया अपडेट मिला हुआ है। अपडेट साइज है 212 MB का, 1 जनवरी 2023 का। इसमें सिक्योरिटी पैच है जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अगर आगे हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी Note 20 Ultra के बारे में, दोस्तों कई यूजर्स की शिकायत है इसमें जियो 5G वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप भी Note 20 Ultra अगर यूज़ करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं क्या आपके यहाँ 5G चल रहा है या नहीं। हालांकि दोस्तों ये मोबाइल 5G है, लेकिन इसमें जियो का 5G एकदम वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, अब पता नहीं क्यों। और इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट भी अभी आया नहीं है, जो कि सैमसंग का फ्लैगशिप मोबाइल है, तो उसको दोस्तों ये अपडेट नहीं प्रोवाइड किया गया, पता नहीं क्यों। तो काफ़ी यूजर शिकायत कर रहे हैं कि इसमें जियो का सिम वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से सैमसंग को इसमें अपडेट दे देना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छा मोबाइल है, तो कुछ इस तरह से है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।